थपकी एपिसोड पिछले में शुरुआत में बानी जी ने जेल से आए सभी लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे पर आतिशबाजी चलवा दी। तभी प्रीत कहने लगी, ये हमारे स्वागत के लिए है, पर ये सब कैसे? सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर आरती लेकर आ जाती है बानी और कहती है, वहीं रुक जाइए सभी लोग। तभी सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और वह उनके पास में आती है और वह वहाँ पर कहती है, और क्या, आज दिवाली है और आज के दिन ही भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे और आप लोग जेल से आए हो, तो हमारा स्वागत करना तो बनता है ना, इसलिए आप सबके लिए ये सब कुछ करवाया है। और आप लोगों के पैर तो हमारे घर में पहली बार पड़ रहे हैं, तो आप लोगों का स्वागत तो हमारा करना कर्तव्य है। तभी कौशी माँ कहती है, देखिए कैसी उल्टी गंगा बह रही है। वैसे तो घर में बहू का प्रवेश होता है, पर इस घर में होने वाली बहू ही सबका गृह प्रवेश करा रही है। वह भी अपने ही घर में, क्या जमाना आ गया है। तभी कौशिमा कहती है, चलिए बानी जी सभी लोग गृह प्रवेश कीजिए, सभी लोगों की आरती उतारती। तभी बानी सभी लोगों की आरती उतारती है और उसके बाद में दादी के पैर छूती है, लेकिन दादी माँ उसे आशीर्वाद नहीं देती। उसके बाद भाभी भी बलिंदर के पैर छू लेती है और बलिंदर भी उन्हें आशीर्वाद नहीं देता, और उसके बाद में वसुंधरा के पैर छू लेती है, फिर वसुंधरा भी आशीर्वाद नहीं देती। उसके बाद बानी का मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी कौशिमा कहने लगती है कि ये लोग अभी सभी जेल से आए हैं, इसलिए ना समझने में टाइम लगेगा, बुरा मत मानो, इसके बदले में हम आपको आशीर्वाद दे देते हैं। तभी बानी भी कौशिमा के पैर छू लेती है और कौशिमा उसके लिए आशीर्वाद देती है और कहती है कि सदा स्वागत रहो, हमेशा सौभाग्यशाली रहो और खूब तरक्की करो, ऊँचाइयों को छू। और इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।